जो है ककुदा, जिसकी शूटिंग हो चुकी है। तो जब हम शूट कर रहे होते थे तो वो ज़ॉम्बी विली के बारे में बहुत बात करते थे, उन्होंने हमें टीज़र वहाँ पे दिखाया था। और मुझे कुछ अलग ही लगाव है, अलग ही ऑब्सेशन है ज़ॉम्बी फिल्मों के साथ। आई लव वॉचिंग ज़ॉम्बी फिल्म, सो व्हेन ही शोड मी द टीज़र आई वाज लाइक आई हैव टू वॉच दिस फिल्म। और जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई आई टोल्ड हिम मैं आ रही हूँ देखने, प्लीज दिखा दो। सुनाशी जी, सबसे अच्छी बात ये है कि 26 जैन को ये फिल्म थिएटर में आई है, सो कितनी एक्साइटेड है कि अगेन हम हमारी फिल्में थिएटर्स में। नहीं, अच्छी बात है, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लग रही है एंड आई थिंक धीरे धीरे ही खुलनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं माहौल उतना सुधरा हुआ नहीं है, यू नो। सो अनटिल देन जितना हो सके हम उतना कर रहे हैं एज एंटरटेनर्स, एज यू नो पीपल हु मेक फिल्म्स, हु आर पार्ट ऑफ फिल्म्स, तो अच्छी बात है। और हौसला भी बढ़ता है जब ऐसी फिल्म आती है और इतना अच्छा ओपनिंग मिलता है उसे, यू नो। सो इट्स वेरी इनकरेजिंग एंड लगने लगता है कि यू नो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि आपकी फिल्म है, आपकी भी फिल्म है इनके साथ में, तो थोड़ा सा जॉनर बता सके कि क्या, क्योंकि आपने बताया हॉरर कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी एक्चुअली, एंड मेरी फर्स्ट हॉरर कॉमेडी होगी, मैंने पहले कभी ये जॉनर अटेम्प्ट किया नहीं है। और बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए, बहुत ही अलग रोल है और बहुत मज़ा आया मुझे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। तो कब तक आ जाएगी ये? आई थिंक दिस साल, ये साल आ जानी चाहिए। कब आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, शूटिंग हो चुकी है या तो दिस साल डेफिनेटली। ये ब्यूटीफुल आउटफिट में है, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सके, ब्लैक एंड ब्लैक। भाई ब्लैक है, स्वेटशर्ट है, पैंट है, बूट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे कवर में पड़ा था, मैंने निकाल के पहन लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। कहेंगे आप ज़ॉम्बी वाली या आपकी जो फिल्म है? जी बिल्कुल, एक आई थिंक एक बैक ब्रेकिंग फिल्म है, क्योंकि ऐसी फिल्म शायद अटेम्प्ट ही हुई है इंडियन सिनेमा में, और एक यू नो बींग मेड इन द मराठी लैंग्वेज, आई थिंक इट्स रियली रियली अ बिग स्टेप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और आई थिंक वी शुड इनकरेज इट। एंड आई एम श्योर कि ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म है और एंटरटेनिंग फिल्म है और बहुत ही यू नो फनी फिल्म है। सो आई थिंक एवरीबडी शुड इनकरेज सच सिनेमा जब कोई एक ऐसा रिस्क लेता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड थोड़ा सा ये कटवेस लेंगे।